ये देखिए दोस्तों, 22 दिन का अंगूर का पौधा जिसको कि मैंने 20 से उगाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र। आज आपको बताऊंगा कि काले वाले अंगूर को हम 20 से कैसे उगा सकते हैं। जनरली यदि सीजन में काला वाला अंगूर मिलता है तो उससे हम बीज निकाल लेंगे। यदि ऑफ सीजन में आप बीज उगा रहे हैं तो काला वाला जो मार्केट में मुनक्का मिलता है या काला वाला किशमिश जो मिलता है उसको हम ले के रात भर के लिए पानी में भिगो देंगे। पानी में इसलिए भिगोएंगे कि जो बीज होगा और अंगूर का पल्प होगा वो एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाए। तो मैंने अंगूर को एक रात के लिए पानी में भिगो दिया है। और एक बात और ध्यान देंगे कि जो मार्केट से हम किशमिश या मुनक्का लाएंगे उसको बड़ा बड़ा फ्रूट छाट के ही भिगोएंगे, क्योंकि साइज उसकी बड़ी होगी तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो फ्रूट अच्छी वैरायटी का होगा। ये देखिए, अंगूर का फ्रूट पूरी तरीके से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और हल्के से इसको हम मसलेंगे तो हल्के से मसलने से ही बीज आसानी से अलग हो जाता है। और अब इसी तरीके से हम सारे बीज को अलग कर लेंगे। देखिए इतने सारे बीज हमारे निकले हैं। जनरली एक फ्रूट में दो बीज या एक बीज निकलता है, तो हम बीज को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम गमले में गार्डन सॉइल, बालू या हम कोकोपीट में भी बीज को उगा सकते हैं। तो क्या करेंगे कि बीज ओवरलैप ना करें, थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाएँ ताकि अच्छे से ग्रोथ कर सके। और अंगूर का जो बीज होता है उसका जर्मिनेशन रेट ठीक होता है। यदि आप 10 बीज लगाते हैं तो उसमें से कम 7-8 बीज जर्मिनेट हो ही जाते हैं। और एक बात का ध्यान देंगे कि जो बीज होगा मिट्टी के बहुत अधिक अंदर ना हो, इसलिए इसके ऊपर से हम मिट्टी की एक लेयर बना देंगे और नमी बनाए रखने के लिए पानी दे देंगे। अब आइए देखते हैं बीज लगाने के 7 दिन बाद का रिजल्ट। ये केवल 3 ही बीज जर्मिनेट हुए हैं। ये देख के तो हमको अजीब सा लग रहा है कि केवल 3 ही बीज क्यों जर्मिनेट हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बीज में भी क्वालिटी अलग अलग है, जैसे कि कुछ बीज हेल्दी होते हैं, कुछ थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो हो सकता है कि इसके बाद भी बीज और जर्मिनेट हों, तो इसके लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं बीज लगाने के 14 दिन बाद का रिजल्ट। हाँ, ये देखिए, 6 बीज मेरे जर्मिनेट हो चुके हैं। शुरुआत में आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने 7 बीज को जर्मिनेट होने के लिए मिट्टी में लगाए थे, जिसमें से कि 6 बीज जर्मिनेट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसका जर्मिनेशन रेट ठीक होता है, तो 7 में से मेरे 6 बीज जर्मिनेट हो चुके हैं और आगे ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो अभी हम इसको छोटे पॉट में शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट अभी डेलिकेट हैं, सूख सकते हैं, और कुछ दिन हम इंतज़ार करते हैं इनको छोटे पॉट में शिफ्ट करने के लिए। आइए अब देखते हैं बीज लगाने के 22 दिन बाद का रिजल्ट है ये। इसमें देखिए लगभग 6-7 पत्तियाँ आ चुकी हैं। यदि 6-7 पत्तियाँ आ जाएँ तो उसको हम छोटे छोटे पॉट में हम शिफ्ट कर लेते हैं। शिफ्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि हम उसको गमले या मिट्टी में कहीं भी लगा सकते हैं। तो एक बात ध्यान देंगे, जो हमारा छोटा वाला पार्ट होगा उसमें नीचे होल होना ज़रूरी है ताकि एक्स्ट्रा जो पानी हो वो बाहर निकल जाए। और एक बात ध्यान देंगे कि जब हम इसको मिट्टी से प्लांट को उखाड़ेंगे तो ध्यान देंगे कि उसका रूट टूटे नहीं, क्योंकि अभी छोटा प्लांट है, इसका रूट टूट जाएगा तो प्लांट हमारा सूख सकता है। इसलिए थोड़ी सावधानीपूर्वक हम काम करेंगे और मिट्टी भी धीरे धीरे ही लगाएंगे इसमें ताकि रूट टूटे नहीं। और अब ये देखिए, सारे प्लांटों को मैंने छोटे से पॉट में सबको शिफ्ट कर लिया है। और अब इसको शिफ्ट करने के बाद हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे ताकि नमी बरकरार रहे। और इसके बाद हम इसको कहीं 2-4 दिन के लिए शेडी प्लेस पे रख देंगे। उसके बाद हम फुल सनलाइट में रख देंगे ताकि प्लांट हमारा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।